Chapter 1, Business Environment. Section 1, Environmental Analysis. Concept covered: a strategic response to environment. A strategic response to environment ka matlab hota hai ki company ko environment mein jo change aa raha hai उसका जवाब कैसे देना चाहिए. By what way company can give response to the change in the environment. देखना, the primary responsibility of the organization is to harness the use of environment to grab opportunities and challenge threat. कंपनी को ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं उनका फायदा उठाया जा सके. तो आमतौर पे देखा गया है कि स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. इसके लिए हमारा मेमोरी कोड है एलपीडी. क्या है एलपीडी? ये क्या है एलपीडी? एलपीडी 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 एल लिस्ट रेसिस्टेंस, पी प्रोसीड विद कॉशन, डी डायनामिक रेस्पॉन्स. तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार इसको पांच बार याद कर लेते हैं कि आपके पास कोड क्या है. कोड है एलपीडी एलपीडी एलपीडी. आप कैसे भी, आप एलडीपी भी कर सकते हैं, आप इसको कुछ भी ऐसे करके, बट एलडीपी मैंने इसलिए नहीं बोला बिकॉज लास्ट वाला को मैं बेस्ट को लेके आना चाहता था. तो मैंने इसको सीक्वेंस दिया है कि पहले इंसान क्या करता है, यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड रिस्क असिस्टेंट. दूसरा होता है यार ध्यान से देखो क्या करते हैं, तो दैट इज अ सेकेंड स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स. थर्ड होता है डायनामिक रिस्पॉन्स, आगे कुछ करो कुछ करो कुछ करो. तो इसलिए क्या है कि मैंने सीक्वेंस देने के लिए, उसके बिहेवियर सीक्वेंस देने के लिए मैंने एलपीडी कर दिया, लाइक लिस्ट रेसिस्टेंस, प्रोसीड विथ कॉशन, डायनामिक रिस्पॉन्स. लिस्ट रेसिस्टेंस, प्रोसीड विथ कॉशन एंड डायनामिक रिस्पॉन्स. अपन लोगों ने तीन इसको ऐसे किया कि शुरुआत में जब चेंज होता है तो स्ट्रैटेजिक होता है, स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स होता है. ओके, देखते हैं, अभी तो देखा जाता है, पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी. तो उस तरह के अप्रोच को लीस्ट रेसिस्टेंस अप्रोच कहते हैं. एक कहते हैं प्रोसीड विथ कॉशन. प्रोसीड विथ कॉशन में क्या होता है कि ध्यान से देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है. डायनामिक रिस्पॉन्स क्या होता है, बिल्कुल हर प्रॉब्लम हर इशू का आंसर तैयार होता है, चीजें तैयार होती हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैन गो एंड वी कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. इसलिए हमने इसको एलडीपी कहा है. एल लीस्ट रेसिस्टेंस, पी प्रोसीड विद द कॉशन, डी डायनामिक रिस्पॉन्स. एल लीस्ट रेसिस्टेंस, देखते हैं क्या होगा, प्रोसीड विद द कॉशन, ध्यान ध्यान से जाना है. डायनामिक रिस्पॉन्स यानी बिल्कुल अच्छी तरह से जवाब देना है, समझना है प्रॉब्लम को क्या होता है, ये बातें लास्ट में लिखी गई हैं. तो आप यहां पे ध्यान देखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट क्या होगा, तो स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट में तीन पॉइंट है. ये क्या है, एल पी डी एल पी डी एल पी डी एल पी डी एल लीस्ट रेसिस्टेंस, पी प्रोसीड विथ कॉशन, डी डायनामिक रिस्पॉन्स. एल लीस्ट रेसिस्टेंस, पी प्रोसीड विथ कॉशन, डी डायनामिक रिस्पॉन्स. एल फिर से बोलेगा, एल लीस्ट रेसिस्टेंस, पी प्रोसीड विथ कॉशन, डी डायनामिक रिस्पॉन्स. एल लीस्ट रेसिस्टेंस, पी प्रोसीड विथ कॉशन, डी डायनामिक रिस्पॉन्स. फिर से बोलेगा, एल लीस्ट रेसिस्टेंस, पी प्रोसीड विथ कॉशन, डी डायनामिक रिस्पॉन्स. एल लीस्ट रेसिस्टेंस, डी प्रोसीड विथ कॉशन, डी डायनामिक रेस्पॉन्स. ये तीन तरह का स्ट्रैटेजिक रेस्पॉन्स होता है. इस फर्स्ट पैराग्राफ का एक बार डिक्टेशन ले लीजिए. अब आप डिक्टेशन ले लीजिए. अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए. डिक्टेशन स्टार्ट नाउ.
द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू हार्नेस एंड यूज एनवायरमेंटल चेंजेस environmental changes to grab opportunities and challenge threats full stop. In this context, following are three strategic response of the organization. One, least resistance. Two, proceed with caution. Three, dynamic response. तो अब आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एनवायरमेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे LPD. That's it. अब हम पहले समझते हैं लीस्ट रेसिस्टेंस. लेट्स अंडरस्टैंड लीस्ट रेसिस्टेंस. लेट अस अंडरस्टैंड लीस्ट रेसिस्टेंस क्या होता है. ध्यान देखिएगा, लीस्ट रेसिस्टेंस का मतलब होता है, मैं यहां देखिएगा, यहां पे मैं तीनों एक ही बार एक्सप्लेन कर देता हूं, चूंकि दो दो लाइन का डिक्टेशन है, तो मैं चाहता हूं कि ये तीनों को मैं एक्सप्लेन कर दूं और फिर आपको डिक्टेशन दूंगा, ठीक है. पहला है लीस्ट रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि कई कंपनियों की टेंडेंसी होती है कंप्रोमाइज करना विद द चेंज. दे विल नॉट एक्ट और रिएक्ट, दे विल एडजस्ट विथ व्हाटएवर कम्स. तो कई कंपनियां होती हैं, उनका स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स होता है कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं करना. अब मैं आपको एक मेटाफर दे रहा हूं, लिस्ट रेसिस्टेंस जब भी आपको समझने की बात हो तो आप समझा करें बैल को. बैल क्या होता है, कभी कभी अपन गांव में गए हों अपन लोग तो देखे होंगे कि बैल एक बार बैठ गया तो वो बैल आप उठेगा नहीं. उसको डंडा मारिए, उसका पूंछ खींचिए, कुछ भी कीजिए, पूंछ खींचिए, आप कुछ नहीं होगा. वो लिस्ट रेसिस्टेंस है, वो कंप्रोमाइज कर लिया, मार लो जितना मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उठेगा ही नहीं. दे विल एडजस्ट विथ वॉट एवर कम्स. वो बैल जो है वो एडजस्ट करेगा, जो भी आ रहा है लाइफ में उसे एडजस्ट करेगा. तो कई कंपनी इस बैठे हुए बैल की तरह है जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है. तो उस तरह के अप्रोच को कि मैं नहीं उठूंगा चाहे जितना भी मार पड़ जाए, चाहे जितना भी कुछ हो जाए, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक रेसिस्टेंस. रिस्पॉन्स नंबर वन स्ट्रैटेजिक रेसिस्टेंस, कि देखते हैं क्या होगा, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेट्स कंप्रोमाइज व्हाट इज हैपनिंग, नो एक्ट नो रिएक्ट, कुछ भी नहीं करना है, एक्ट भी नहीं करना, रिएक्ट भी नहीं करना. तो जब कोई कंपनी इस तरह की अप्रोच अपनाती है तो उसको कहते हैं कंपनी लीस्ट रेसिस्टेंस के फ्रेम में है, कंपनी लिस्ट रेसिस्ट कर रही है, यानी कि कंपनी रेसिस्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है. दिस इज कॉल्ड व्हाट लिस्ट रेसिस्टेंस. तो जब भी आपको लिस्ट रेसिस्टेंस के बारे में लिखना हो तो मेटाफर हम देते हैं कि दैट इज बैठा हुआ बैल, गिरा हुआ बैल, जो उसको कुछ भी कर लो उठने का नाम नहीं लेगा. अब आता है प्रोसीड विथ कॉशन. क्या है कि इस अप्रोच में कंपनी जो है एनवायरमेंट को देखेगी, परखेगी, फिर सही वक्त पे आक्रमण करेगी.
वो इमीडिएट आक्रमण नहीं करेगी, देखेगी, परखेगी, जांचेगी, सुनेगी, तो उस वक्त में जब जाएगी तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीड विथ कॉशन। प्रोसीड विथ कॉशन मतलब कि आगे बढ़ो लेकिन ध्यान ध्यान से, वो कहते हैं ना फुक फुक करके कदम बढ़ो, उसको कहते हैं प्रोसीड विद कॉशन। वो एक मूवी थी राम लखन वाली, याद होगी आपको, यस कर्मा प्रोबेबली, उसमें था कि अनिल कपूर साहब कहेंगे जब तक देखेंगे सोचेंगे समझेंगे वो मार जाएगा, बट नहीं, ये करना बहुत जरूरी है। दैट्स कॉल्ड व्हाट इज आई कॉल इट एज प्रोसीड विद अ कॉशन इज अ सेकंड स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स ऑफ द कंपनी फॉर द चेंज इन द एनवायरमेंट। लेकिन मेटाफर की बात करूं तो मैं यहां मेटाफर यूज करूंगा बिल्ली। बिल्ली हमेशा देखिएगा, जो बिल्ली है ये देख रहे बिल्ली को, प्रोसीड करती है विथ कॉशन, बहुत ध्यान से करती है, आराम से बैठेगी, देखेगी, समझेगी, दे गो विद दिस इज। आई रिमेम्बर दैट मेरे दादी के साथ हमेशा ये दादी और बिल्ली की लड़ाई मैंने बहुत करीब से देखा है। और दादी और बिल्ली की लड़ाई में क्या होती थी, अपनों के गांव में क्या होता था, वो समझते ना, वो किचन में वो डंडी रस्सी होती थी, छाक क्या कहते थे आप उसको, तो छाक या कुछ कहते थे, रस्सी बंधी होती थी, तो दादी उसको जानबूझ करके वहां पे रखती थी, टांगती थी कि बिल्ली नहीं आएगी। और आराम से शाम को 7-8 बजे, गांव में लोग तो जल्दी सो जाते हैं, तो 7-8 बजे के करीब में दादी कहती थी कि अब बिल्ली नहीं आ सकती है, दरवाजा बंद कर लेते हैं। दैट्स राइट। अब देखो प्रोसीड विद कॉशन क्या है, बिल्ली को पता होता था कि 7-8 बजे दरवाजा बंद हो जाएगा, मैं जा नहीं पाऊंगी, वो दिन में ही कभी जा करके जो ऊपर स्लैब में सामाने होती थी जाके बिल्ली बैठ जाती थी, बिल्कुल बैठ जाती थी, और क्या कैलकुलेशन करती थी, कितने इंटेंसिटी से, कितने स्पीड से जंप मारूंगी तो रस्सी को पकड़ लूंगी, और अंधेरे में लाइट भी नहीं है, देखिएगा कितनी प्रोसीड विथ कॉशन है बिल्ली का, कितनी ध्यान से, कितनी धैर्य से ऑब्जॉर्व कर रही है कि आगे एक्शन क्या लेना है। प्रोसीड विथ कॉशन, बिल्ली का जो स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स होता है वो प्रोसीड विथ कॉशन है, बैल वाला लीस रेसिस्टेंस है, ये प्रोसीड विथ कॉशन है। और क्या होता था, दादी दरवाजा कर बंद करके गई और दादी खुश कि अब बिल्ली के नजर से मैं बाहर हूं, क्योंकि उसमें दादी को दही जमाना होता था। और बिल्ली बिल्कुल 8-9 बजे के करीब में जोर से छलांग लगाएगी, रस्से से निचर के आएगी, वो उसके प्लेट को हटाएगी, आराम से जी भर के खाएगी, आराम से, और उसके बाद ललकार करके उसको नीचे गिरा देगी ताकि दादी को पता लगे कि तुम हार गई मैं जीत गई। इसको कहते हैं प्रोसीड विथ कॉशन, बहुत ध्यान ध्यान से फूक फूक के जाना। तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड अप्रोच, प्रोसीड विद द कॉशन। थर्ड है डायनामिक रिस्पॉन्स। थर्ड क्या है, डायनामिक रिस्पॉन्स। थर्ड रिस्पॉन्स क्या है, डायनामिक रिस्पॉन्स। दिस इज वेरी हाई लेवल एक्शन ओरिएंटेड, दे आर पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, दे जनरेट द कंटिंजेंट सेंट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू बी पिक्ड अप इन द ट्यून विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, प्लान ए प्लान बी प्लान सी प्लान डी, यहां वहां एनवायरमेंट एनालिसिस सब कुछ करते हैं, दैट इज डायनामिक रिस्पॉन्स। So, dynamic response is a very, very high level of the action-oriented response. Make the all set of the plan, plan A, plan B, plan C, plan D, or bahut dynamic, or change, you. Change kitne mein karte? Ye. Lo bhaiya, change. 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 Ye change ho gaya, ba. Ekdam. Ye hai dynamic response. Agar metaphor likha jaye, to ghoda. जो घोड़ा होता है ये डायनामिक रिस्पॉन्स होता है, डायनामिक। और वॉर में योद्धा से ज्यादा पावरफुल घोड़े होते थे और घोड़े की कीमत होती थी। आज जितना नाम महाराणा प्रताप का है उतना ही नाम उनका घोड़ा चेतक का है, बिकॉज घोड़ा बिल्कुल डायनामिक होता है, कई कोसों से दुश्मन की आहट को समझ लेता है और उसके उस खुद में परिवर्तित कर लेता है। आप जब भी हल्दी घाटी जाएं तो उस सीन को जरूर देखें जब चेतक महाराणा प्रताप को लेकर के ऊपर जंप किया और 20 फीट आगे वाले गड्ढे को पानी से भरा हुआ था या नाले को पानी से भरा हुआ था, जंप मारा और मर गया, लेकिन अपने मालिक को बचा लिया। ये है डायनामिज्म। अगर हमारी स्ट्रैटेजिक डायनामिक होगी तो बिजनेस को मरने से हम बचा सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने तरह के रिस्पॉन्स हैं, स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स, तो 3 तरह के हैं,
L least resistance metaphor ball है, proceed with the caution metaphor billy है and dynamic response metaphor घोरा है. तो अगर आपको ball billy घोरा याद है, ball billy घोरा याद है, तो आप आराम से ball billy घोरा याद है, तो आप आराम से strategic response to change in environment आप लिख सकते हैं. तो मुझे लगता है आपको मीनिंग समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए तो आपको वही कंटेंट चाहिए जो आपको एग्जाम में लिखना है. सो टेक अ डिक्टेशन नाउ. अब आप डिक्टेशन ले लीजिए. अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए. डिक्टेशन स्टार्ट नाउ. 1. लीस्ट रेसिस्टेंस. सम कंपनीज हैव tendency to compromise full stop. They will not act or react. They will adjust with whatever comes. Two, proceed with caution. These are those companies which use the environment and move with more caution. These are those companies which use the environment and move with more caution. Next, dynamic response. This is very high level action oriented. Full stop. They are partly proactive and partly reactive. They generate a contingent set of alternative course of action. To be picked up in tune with changing environment. अब आपने देखा कि अगर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक रिस्पांस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द चेंज इन एनवायरनमेंट, आपको आंसर याद है एल लिस्ट रेसिस्टेंस, पी प्रोसीड विद द कॉशन, डी डायनामिक. अगर आपको लगता है कि इस क्लास में आपको समझा दिया स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स को एंड लिखने के लिए कंटेंट दे दिया, तो इस क्लास के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बोलें. दे नीड अस, वी नीड देम, यू बिकम अ कनेक्टर. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.